साकेत नगर कॉलोनी से कांग्रेस प्रत्याशी के पुत्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया, कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। साकेत नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 54 से कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला पांडे के पुत्र अर्जुन पांडे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। जब अर्जुन पांडे से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर कुछ लोगों ने चारपाई की पटिया से पीछे से सर पर वार किया, जिससे मैं मुंह के बल जमीन पर गिर गया। इसके बाद वे लोग मुझे जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली देने लगे और मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरा सिर फट गया और कंधा और हाथ फ्रैक्चर हो गया। शोर सुनकर जब लोग दौड़े तब हमलावर मुझे छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। मेरे साथ के लोगों ने मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत उन्होंने थाने पर की है और वहां से केवल आश्वासन ही मिला है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हुए जानलेवे हमले में दोषी लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं। चुनावी माहौल चल रहा है और मैं भी जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रहा हूँ। 5 साल से अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने लोगों की सेवा कर रहा था। कल रात हम लोग अपने यही जनसेवक कार्यालय में बैठकर, जनसुनवाई कार्यालय में चुनाव की तैयारी कर रहे थे बूथों की। अचानक मैं सड़क पे गया अपने एक युवा साथी के साथ, जो दिन रात मेरे साथ रहता है। अचानक 3-4 लोगों ने मुंह बांध कर किसी कहीं से आए और मेरे ऊपर लकड़ी के, उस लोग बता रहे हैं खटिए के बोटे, पुलिस वालों ने मुझे दिखाया, उससे हमला किया, जिससे मेरे सर में गंभीर चोट आई और मुझे गिरने के बाद मेरे पीठ पर, हाथ पर उन्होंने मारा। उस बच्चे के भी पैर में चोट लगी है, जिससे मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर है और मेरे सर में भी चोट है। 3 टाके लगे हुए हैं। क्या लगता है कोई चुनावी माहौल है? लोगों का ये है, विरोधियों को, कि इतने कम समय में इतना नाम और टक्कर दे रहा है, बराबरी, कुछ भी हो सकता है। क्या कहूँ अब, पुलिस भी अभी तक मेरा कोई मदद नहीं की है। आप शब्द भी बोले जाते वक्त? जी, गाली दे रहे थे कि साले भोसड़ी वाले, चुनाव मत लड़ना, दिखाई मत देना नरिया पे, अपनी कुर्सी चौकी बूथ मत लगाना। आपने कहाँ कहाँ कंप्लेंट किया? मैंने प्रशासन को बताया, प्रशासन ने मुझे आश्वासन देते हुए कहा है कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं है। अभी तक तो कोई नहीं। बस मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुलेआम गुंडागर्दी और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, अगर ऐसा होगा तो ये समाज में बहुत ही शर्मनाक चीजें हैं। ऐसे गुंडई से वोट नहीं, प्रेम से वोट ले, मिलेगा, मेहनत से ले, ईमानदारी से ले, सब कुछ मिलेगा।